जब हम किसी की बात को सुनते हैं तो उसमें एक नया क्या सीख सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। छोटे बच्चों को आप देखो, उसकी आंखें देखो, उसका चेहरा देखो, उसका मुंह देखो, कितना उत्सुक रहता है वो नई चीज़ों को सीखने के लिए। वैसी उत्सुकता चाहिए मनुष्य में। हर बार चाहे वही बात बार बार की जा रही हो, लेकिन उससे नई चीज़ हम क्या सीख सकते हैं। वैज्ञानिक यही करते हैं, हर घटना बार बार घटित हो रही है। सूरज उग रहा है, अस्त हो रहा है, चांद निकल रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, ये घटनाएं प्रतिदिन घट रही है, चक्री क्रम में घट रही है। लेकिन जो उत्सुक होते हैं नई चीज़ों को जानने की, जिनमें इच्छा होती है, वो उन चीज़ों को नए प्रकार से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ नया कर पाते हैं। तो ये उत्सुकता हम में लगातार बनी रहनी चाहिए कि हम घटनाओं को नए ढंग से देखें, किसी की बात को नए ढंग से सुने, पूरे एकाग्र मन से सुने, विचारों को बाहर रखकर सुने, अपने अंतर्मात्मा को जागृत करके सुने, आंखें बंद करके, बिल्कुल शरीर का कोई अंग न हिल न पाए, ना हम पैरों को हिलाएं, ना हाथों को हिलाएं, बिल्कुल शांत मन से उसको सुने, उत्सुक होकर सुने, जैसे एक बच्चा हर चीज़ को पहली बार देखता है और कितना उत्सुक होकर उसको समझने का प्रयास करता है। वैसी उत्सुकता रखें तो हम चीज़ों को नए ढंग से समझ पाएंगे, उसे याद रख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।